यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। माजरा प्याऊ आईटीआई में होने वाले प्रदेश स्तरीय रोजगार मेले को लेकर हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बीते दिन नारनौंद हलके के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें आज होने वाले रोजगार मेले को लेकर विचार विमर्श भी किया गया है। बता दें कि आज माजरा प्याऊ आईटीआई में भारत सरकार के नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर की नामी लगभग 125 कंपनियां अपना स्टॉल लगाएंगी। रोजगार मेले को कामयाब बनाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारी पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं। इस रोजगार मेले में कई हजार युवकों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है। विधानसभा क्षेत्र में माजरा प्याऊ की जो आईटीआई है, उसमें भारत सरकार के नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा एक रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत देश भर की नामी लगभग 125 कंपनियां इस मेले में अपना स्टॉल लगाएंगी और इस मेले को आयोजन करने की तैयारियों में भारत सरकार के अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी पिछले कई दिनों से इसको सफल बनाने में लगे हुए। कई हजार नौजवानों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन किया है, मिस्ड कॉल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जहां जहां काउंटर लगाए थे उसके आधार पर भी रजिस्ट्रेशन हुआ है।